हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट आप जाके देख सकते हैं। जिस जगह पर हमने विजिट किया था वो जगह है इगतपुरी रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी काम और काफ़ी ज़्यादा सुकून वाली जगह है। अगर आप वीकेंड्स पे इंजॉय करना चाहते हो और दो दिन का रिलैक्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में यही बताया है, वहाँ के होटल्स, विलास और जो 360 माउंटेन्स व्यू है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। और यह है सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने सबने ग्रुप ने मिलकर एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ की है। एक्चुअली सिक्स टू सेवन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए, जो कि काफ़ी ईजी है। कुछ टास्क कम्प्लीट करने के लिए आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन सेफ्टी इतनी अच्छी है तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी छोटे छोटे बच्चे, 7 ईयर्स ओल्ड, मेरा बेटा 4 ईयर्स ओल्ड, उसने भी काफ़ी ईजीली ये सारी एक्टिविटीज़ कम्प्लीट कर ली थी। एक्चुअली 5 ईयर्स के नीचे बच्चों को अलाउ नहीं है, लेकिन ज़िद करके वो भी चला गया था। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले है गैप ब्रिज, उसके बाद जिगजैग ब्रिज, बाद में ये जो अभी चल रहा है ये है ब्रिक ब्रिज, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही था। ऐसे खड़ी ईंटें हैं और उन पर चलना, ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। तो बॉयज़ ने काफ़ी ईजिली ये टास्क कम्प्लीट कर लिया, लेकिन हम गर्ल्स तो बाप रे, ऐसे लग रहा था क्यों आए हम ऊपर। लेकिन जब 7 साल की लड़की ने टास्क कम्प्लीट किया तो हमने सोचा कि जब 7 साल की लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्रीत, थैंक यू सो मच, आपके वजह से एनकरेजमेंट मिली हमें। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। उसके बाद देख रहे, ये नेट वाला जो ये टास्क है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसमें बहुत मज़ा आया। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बाद में ये है जिप लाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इजी था, लेकिन जिप लाइनिंग करते टाइम एक ऐसे, मतलब एक बहुत बड़ा सा ऐसे कुआ जैसा आता है, उसके अंदर पानी होता है, तो उधर थोड़ी सी ऐसे लगता है कि वाटी लग गई हमारी, क्यों हम आए ऊपर। लेकिन फिर बाद में काफ़ी अच्छी सेफ्टी थी और चारों तरफ स्टाफ ही स्टाफ थे, तो उन्होंने बोला ऐसे कभी आज तक हुआ नहीं है कि किसी ने जिप लाइनिंग किया और नीचे गड्ढे में गिर गया हो। लेकिन क्या करें, अभी सब कर रहे थे तो हमें भी जाना ही पड़ा। और ये है रोप साइकिलिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जॉयफुल था करने के लिए, ये भी सबने काफ़ी ईजीली कम्प्लीट किया। उसके बाद आती है गर्ल्स की बारी, बॉयज़ ने तो काफ़ी इजीली टास्क कंप्लीट कर दिया। अभी हमें लग रहा था हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने भी ये सबसे पहला वाला ब्रिज, गैप ब्रिज, उसके बाद जिगजैग ब्रिज, फिर उसके बाद ब्रिक ब्रिज, और बाद में फिर वो नेट वाला टास्क काफ़ी इजीली हमने भी कंप्लीट कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं और मेरी फ्रेंड सुकन्या फटाफट जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी किया है वीडियो को, हम थोड़ा रुक रुक के डर के जा रहे थे। और जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, हमने सबको वीडियो बनाने के लिए काम पे लगा दिया कि फटाफट हमारा भी वीडियो निकालो। माय गॉड, अगर आप सच में अगर ये जगह पे विजिट करना चाहते हैं ना, तो ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना मत भूलिए गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी रीजनेबल रेट है। आई थिंक 200 रुपीज़ पर पर्सन, और 6-7 एक्टिविटीज़ कहाँ करनी मिलेगी आपको, मुझे तो नहीं लगता है मिलेगी। अब देखिए मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा डर लगता है मुझे जब वो गड्ढा आता है तब, बट मैंने कर लिया, आँख बंद कर ली थी जब वो ऐसे कुआ जैसा आया था ना, तो मैंने मेरी आँख ही बंद कर ली थी। बट इसमें मुझे बहुत मज़ा आया, ये जो रोप साइकिलिंग है इसमें मुझे मज़ा आया, मैंने बहुत अच्छे से कम्प्लीट किया ये। उसके बाद मेरा बेटा, मैं जैसे आपको बता रही थी, वो स्टार्टिंग से ही जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे भी जाना है। उन्होंने पहले तो अलाउ नहीं किया, फिर हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसे भी लेके जाइए, बहुत देर से देख रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसे अकेला नहीं भेजेंगे, साथ में हमारा स्टाफ भी जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है चलो, स्टाफ जाएगा तो और अच्छा है। फिर कैसे तैसे हमने उसे भी भेज दिया, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था इसीलिए। और ये प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ ट्रिप पे थी, सबसे प्यारी यही है। उसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड छोड़ के आ रहे हैं अपने बेटे को कि बेटा डरना नहीं, लेकिन वो सच में बिल्कुल भी नहीं डरा, उल्टा हम डर रहे थे। ये देखिए कितने अच्छे से जा रहा है वो, हंसते खेलते जा रहा है। उसने ये जिप लाइनिंग भी किया कम्प्लीट और रोप साइकिलिंग भी कम्प्लीट किया, बहुत अच्छा लगा हमें। हम तो देख के शौक ही रह गए कि उसने सच में ये कर दिया, 4 साल का लड़का। तो इस तरह हम सबकी
एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है और ये वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। गाइज, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।